सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं प्रदीप लर्न ट्वेल्थ अकेडमी पे। सो गाइज, दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन में पूरे फिजिक्स का प्लेलिस्ट मैं आपको दे रहा हूं, केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट दे रहा हूं, मैथ का प्लेलिस्ट दे रहा हूं। आप फटाफट फटाफट पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो और अपनी पूरी स्टडी कंप्लीट कर सकते हो। ओके सो दोस्तों, अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन ये रहता है कि सर, अगर बोर्ड एग्जाम की तैयारी मुझे अभी से करना है और फिजिक्स से ना तो मुझे प्यार है ना तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, पर मैंने बार बार ये चीज़ें बोली है, भाई आपने साइंस ले लिया है, साइंस ले लिया तो आपकी शादी समझ लो हो गई है, तो आपको साथ निभाना पड़ेगा। अगर साथ नहीं निभाओगे तो दो चीज़ें हो जाएगी, पहला आपका परसेंटेज डाउन होगा, दूसरा ग्रुपिंग क्राइटेरिया जो है बहुत सारे एग्जाम्स को निकालने के लिए, बहुत सारे जगह एडमिशन लेने के लिए, वो भी दूर हो जाएगा आपसे। इसीलिए आपको ये साथ निभाना ही पड़ेगा। तो प्लीज़ कमेंट में बोलना कि फिजिक्स का हम साथ निभाएंगे। तो अगर मैं बात करूं, देखो पी फॉर फिजिक्स भी होता है और पी फॉर पछतावा भी होता है अगर हम पूरी तरह से फॉलो नहीं करेंगे। हमारे अगर मैं बात करूं कि अपने महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर टोटल 16 चैप्टर दिए हुए, कितने चैप्टर दिए हुए, 16। और इन 16 चैप्टर के अंदर अगर मैं बोलूँ, सबसे पहले तो अभी आपका स्टार्टिंग टाइम चल रहा है, मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि स्टार्टिंग टाइम में आप जितने चैप्टर कर सकते हो उतने चैप्टर का ट्राई करो। कभी ये मत सोचो कि सर कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है, नहीं पहले। पर फिर भी कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको फिजिक्स का मैंने बोला कि रिश्ता नाता ही नहीं है, पर उनको बस साथ निभाना है, बस इनके साथ रहना है। भाई हमने शादी कर ली तो बस इनके साथ रहना, तो ऐसे कौन से चैप्टर है बस रहने से हमारा काम हो जाएगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो, आप स्टार्टिंग आपने स्टार्ट किया होगा तो रोटेशनल डायनेमिक हर जगह सबसे पहले पढ़ाया जाता है, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने किया होगा। हाँ, रोटेशनल डायनेमिक में नंबर ऑफ डेरिवेशन बहुत है, पर सच बोल रहा हूँ, जो चीज़ें हम स्टार्टिंग में 12th में जाते हैं तो हम पूरे जोश में रहते हैं, तेरा भाई कर डालेगा, ये करेगा, वो करेगा, तो भाई तेरे भाई ने रोटेशनल डायनेमिक तो किया होगा। रोटेशनल डायनेमिक के बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स बहुत सिंपल सा चैप्टर है, KTG बहुत सिंपल, थर्मोडायनेमिक बहुत सारे बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट मैं बताना चाहूँगा यार ये चैप्टर के अंदर क्या है, लप्पू सा चैप्टर है एकदम। मैं बताऊँगा, चार प्रोसेस दिए हुए हैं, मेनली चार प्रोसेस हैं जिसके डेरिवेशन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और बाकी फ्री एक्सपांशन और साइक्लिक प्रोसेस तो बच्चा हर बहुत आराम से कर लेता है। आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, देन हमारा आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, इसके और मैं बता रहा हूँ सबसे थोड़ा जो डेरिवेशन थोड़ा बड़ा दिख रहा है ना वो आइसोथर्मल और एडियाबेटिक का, और आइसोथर्मल का भी बहुत सिंपल है, मैंने पूरे का डेरिवेशन अपने इसमें करवाया, आप आराम से देख सकते हो, आराम से देख के उसको समझ सकते हो और पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। फिर इसके बाद हीट इंजन, हीट इंजन के बाद हमारा रेफ्रिजरेटर, और रेफ्रिजरेटर के बाद हमारा स्टर्लिंग साइकिल, फिर कार्नोट साइकिल, खत्म। बस तुम्हें उसके अंदर बस जो हमारा पीवी डायग्राम है ना वो डायग्राम को समझना है, वो डायग्राम आप समझ लोगे, वर्किंग बहुत आराम से लिख लोगे, बहुत आराम से लिख लोगे, तो इसके अंदर कुछ नहीं है मेरे दोस्तों। ये 5 चैप्टर मेरी तरफ से, 5 चैप्टर के बाद, क्योंकि आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है ना, आपका टारगेट है कि सर 85 to 90 स्कोर करना है, फिर ये 15 और 16, ये दोनों चैप्टर आपको आना चाहिए। इसके बाद गाइस मैं आपको बोलूँगा, अगर हो सके आपसे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी भी आपका हो जाना चाहिए, और साथ में मैग्नेटिक मटेरियल, ये इतने चैप्टर तो होने ही चाहिए किसी भी हालत में। बट अगर एक चीज़ बोलूँगा कि अगर आप बाकी चैप्टर स्किप कर रहे हो तो यहाँ एक कंडीशन जरूर मैं आप सभी को बोलूँगा कि जो चैप्टर कर रहे हो उसकी पूरी चीज़ें करो, मतलब कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन, इवन गाइस न्यूमेरिकल से लेके कोई पार्ट नहीं छूटना चाहिए। अब आप में से बहुत सारे बच्चों के उन्होंने क्वेश्चन आएगा, सर न्यूमेरिकल्स कहाँ से करें। सबसे पहली बात तो इनके जो PYQ आए हैं वो कर लो। PYQ करने के बाद अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा करना है तो आप जो सॉल्व न्यूमेरिकल है वो करो। ये दोनों होने के बाद अगर आपकी तैयारी और है कि नहीं सर मुझे और तैयारी करनी है, तो अनसॉल्व न्यूमेरिकल जो है उसमें से, और अनसॉल्व न्यूमेरिकल हमेशा गाइस हमारे बुक के अंदर ना बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे भी दिए हुए हैं जो बहुत लंबे हैं, बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल, और हार्डली हमारे यहाँ न्यूमेरिकल, हमारे जो बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो 2 और 3 मार्क्स, और जो छोटे न्यूमेरिकल कभी कभार 1 मार्क्स के भी आते हैं, तो 1, 2, 3 इससे बड़े न्यूमेरिकल्स नहीं आते। तो हमें वही चीज़ों तो एनालाइज करनी है कि हमें जो अनसॉल्व न्यूमेरिकल है उसमें से कौन सा करना है, इसलिए मैंने उसके पहले आपको बोल दिया कि आप पहले जो सॉल्व न्यूमेरिकल वो है वो कर लो, PYQ कर लो, और 21 में जो न्यूमेरिकल्स आए हैं वो ट्राई कर लो, आपका काम न्यूमेरिकल से हो जाएगा। तो ये होता है स्मार्ट वर्क, सही तरीके को अपनाना। न्यूमेरिकल कुल मिला के पूरे पेपर के अंदर न्यूमेरिकल 12 to 15 मार्क्स का आएगा। एटलीस्ट आप, मैं पूरी तरह छोड़ो मत, एटलीस्ट आप फॉर्मूले उसके याद करो, कैसे पुटिंग करते हैं, क्या करते हैं, कुछ तो करो यार। पूरी तरह से मैं देखता हूँ पूरे न्यूमेरिकल बच्चे छोड़ देते हैं, मत छोड़ो, अभी वो टाइम नहीं है। वो टाइम लास्ट में प्रदीप सर आपको बताएंगे कि उस स्टेप्स को भी हमें कैसे फॉलो करना है, क्लियर। एंड दूसरी बात गाइस, हमारा रैंकर बैच चल रहा है,
उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। थोड़े दिनों में इसी हफ्ते के अंदर हमारा जीवन बैच सीईटी का बैच भी लॉन्च हो जाएगा, तो हमारे ऐप पे हमसे जुड़ सकते हो। और यूट्यूब पे भी कुछ चीज़ें हम स्टार्ट करने वाले आप सभी बच्चों की हेल्प करने के लिए। और ऑलरेडी हेल्प तो हमने पूरे वीडियोस अपलोड किए हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करो, पूरा प्लेलिस्ट है, आप आराम से पढ़ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।